हेलो, ये मेरा तीसरा दिन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट पे। और इतना ज़्यादा डीप नींद, मतलब लास्ट कब मैंने लिया था मुझे पता नहीं है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है, लगता है उसके वजह से ही इतना डीप चला गया है नींद। मतलब नींद पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और हम जैसे कंटेंट क्रिएटर का तो नींद तो होता नहीं है, रात रात भर भर के एडिट करते हैं। तो कल रात को 9 बजे सोया और सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ। जहाँ पे योगा का पूरा क्लास चल रहा था, योगा क्लास अभी ख़त्म हो के आया और ना आई एम मूविंग टू माई रूम। आज देखते हैं क्या स्पेशल खाना मिलता है। स्पेशल खाना मतलब आज क्या जूस मिलता है सुबह सुबह, और फिर ब्रेकफास्ट पे क्या मिलता है। चेन्नई का गर्मी है, लग तो रहा है कि आज से वापस गर्मी पड़ गया। योगा से आने के बाद लगभग मैं सो गया था। डॉक्टर आए थे सुबह सुबह चेक करने के लिए, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है खाने को लेके, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसे करके। तो आज सो गया तो मेरे को जूस नहीं मिला। पता नहीं सुबह सुबह क्या जूस मिला था। लेकिन अभी ब्रेकफास्ट में जो है, ब्रेकफास्ट में ऐसा खाना दिया जा रहा है, पहली बार मतलब नेचुरोपैथी का एक्सपीरियंस हो रहा है। और खाना खाते खाते लग रहा है कि भाई मेरा भी हालत ख़राब हो गया। कल जब मतलब कल नहीं, जब मैं पहले दिन आया था तब 56 किलो 600 ग्राम था मेरा वेट। और कल जब मैंने मापा, कल नहीं आज सुबह सुबह जब मैंने मापा तो 55 kg हो गया था। तो लगभग 1 kg मेरा वेट घट गया है। और यहाँ पे जो खाना मिला है, केला है, खरबूजा है, यहाँ पे लोकल कुछ सलाड है पता नहीं, खीरा है, और यहाँ पे स्प्राउट्स है, बीटरूट है। तो ये है आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। ऐसे खाना खा के क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है मेरे लिए। तो उन्होंने बोला भी कि नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट पे तुमको वेट लॉस तो होगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट फिर भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखते हैं। अभी फिर उसके बाद 10 बजे से शायद योगा शुरू होगा स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम के लिए। 9:09 हो रहा है टाइम। और फिर योगा योगा के बाद ट्रीटमेंट पे लेके जाएंगे। यहाँ पे 10 बजे से जिसको जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए स्पेसिफिक योगा होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू द योगा क्लास, और योगा क्लास में जाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होगा। तो इट्स टाइम टू गो टू द योगा क्लास। नेचुरोपैथी का तीसरा दिन, अभी जस्ट योगा ख़त्म हुआ और आज फिर से मड पैक एंड कुछ मसाज दिया गया है। पता नहीं कि आज क्या देगा, बट फिर से आ गए ट्रीटमेंट सेक्शन के। और अभी जस्ट मेरा मड पैक ख़त्म हुआ एंड आई जस्ट केम आउटसाइड द रूम। दिस इज़ द चिट सीट, और इस पे आज मेरे को मसाज दिया जाएगा। मड पैक के बाद लगता है कि पूरा बॉडी टेम्परेचर इज कूलिंग डाउन। आज का जो ट्रीटमेंट था इस पे मतलब मड पैक, और उसके बाद बैक पेन हो रहा था मेरे को, क्योंकि योगा पे बहुत देर तक आपको अपने स्पाइन पे एकदम पूरा स्पाइन सीधा करके ऐसे बैठे रहना पड़ता है, स्पाइन और बैक बोन जो भी बोले। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके वजह से आज मेरे को बैक पेन के लिए मसाज दिया गया। एक्चुअली हमारे बॉडी पे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होता है तो वहाँ पे मसाज दिया गया, और उसके बाद एक कुछ हीट के थ्रू बैक पेन ये लोग ट्रीट कर रहे थे। तो वहाँ पे जाके वीडियोस लेना अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं लिया, बट द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। जो मतलब मसाज दे रहे थे एक्चुअली, वो हमें काफ़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक्चुअली होता है ना कि लचक का ज़रूरत है। तो लचक का ज़रूरत है, लेकिन हम लोग हमारा मतलब उस जॉइंट पे हम लोग तेल अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसके वजह से वो मतलब ड्राई सा हो रखा है। तो उसके वजह से मसाज एंड बॉडी को ग्रीस काइंड ऑफ थिंग ग्रीस करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी वो लेके वापस जा रहे रूम पे, फिर शाम को 3 बजे नेक्स्ट ट्रीटमेंट। आज भी वही नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ऐसे भाई संडे है, 3 बजे बुलाएगा और बुलाने के बाद ट्रीटमेंट होगा। देखते हैं एक्सपीरियंस करके संडे वाला ट्रीटमेंट, 3 बजे योगा और उसके बाद वापस से लेग पैक। तो इसी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं नेचुरोपैथी वाला लाइफ। अभी जस्ट मेरे को मिला यहाँ पे वाटरमेलन जूस, और ये पी रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है। आज मैं क्यूरियसली डॉक्टर को जाकर पूछ लिया कि ये जो खाना मिल रहा है मतलब नेचुरल डाइट और सारा चीज़, तो इसमें बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है इससे पूरा हो रहा है क्या। तो उनके तरफ से ये बोलना था कि एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ मैटर करता है, एक तो है कि गवर्नमेंट बजट और दूसरा है अवेलेबिलिटी, मतलब आसपास क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो दोनों को कंबाइन करके इन्होंने काइंड ऑफ लाइक पूरा काम किया है
और जो मिल रहा है वो मतलब अभी मेरे को खाना पड़ेगा, अगर मेरे को और ज़्यादा भूख लगता है तो आई नीड टू गो आउट एंड गेट सम फूड, और जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा तो फिर मेरे को बोले हैं कि तुमको एक मतलब रूटीन बता दिया जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अकॉर्डिंग टू दैट मेरे को चलना होगा, तो उसके हिसाब से है। और मेरा बॉडी का जो हेल्थ या फिर कंडीशन देखेंगे डॉक्टर, फिर उसको देख करके वो बताएंगे। नॉट ओनली दिस, उसके साथ साथ अलग भी खाना मिलेगा, मतलब वो था कि इसी को खा के ज़िंदगी बिताना है क्या आगे, तो वो नहीं है। तो ये मिला है लंच पे स्प्राउट्स, केला, और ये पोहा जैसा कुछ है, पता नहीं क्या है। लंच खाते हैं, बस इतना खा के तो मेरा वेट काफ़ी कम हो जाएगा। आउटसाइड पे बहुत धूप, मतलब पहली बार जब चेन्नई पे आए थे तब जिस तरीके का धूप था, अभी उस तरीके का धूप है। आप रहे उसके वजह से फ़ैन चल रहा है लेकिन गर्मी लग रहा है। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, एज ए बैक पैकर ऐसा जिंदगी चेन्नई में मेरा, दैट इज़ एनफ फॉर मी। चेन्नई में पहली बार मतलब जिस दिन आए थे उस दिन जितना गर्म था अभी उतना गर्म हो गया, सो आई एम फीलिंग वेरी हॉट हेयर इन चेन्नई। अभी जस्ट योगा और एक्यूपंक्चर ख़त्म हुआ और आ चुके हैं ट्रीटमेंट सेक्शन पे, जहाँ पे लेग पैक मिलता है फॉर वेरिगोस वेन, तो वहाँ पे जस्ट वेट करेंगे, देखते हैं कब मेरा लाइन लगता है। अभी जस्ट सोए हुए हैं और वेरिकोस वेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक सोते सोते ऐसा कुछ दिख रहा है मेरा वेरिकोस वेन का लेग पैक, और फिर ये लास्ट ट्रीटमेंट है दिन का, इसके बाद रुक जाएंगे। अभी मेरा एक्यूपंक्चर, योगा और ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, तो आज वेरिकोस वेन का जो ट्रीटमेंट हुआ उसके साथ साथ बैक पेन का जो ट्रीटमेंट दिया, एक तो था सुबह सुबह मसाज और एक कुछ हीट जैसा पास कर रहे थे तो उसके वजह से बैक पेन ठीक होता है, तो वो हुआ। और शाम के टाइम एक कुछ मशीन है जो मेरे को कल सुबह किया गया था, उससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है जिस जगह पर दर्द होता है तो उस जगह पर, तो उसके वजह से मेरे को मतलब खुद महसूस हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो गया फ्रॉम बैक पेन। एक्चुअली जब बैक पैकिंग करते हैं तो ऐसा आप मान लो कि लाइक जब आप ट्रैवल कर ही रहे हो तो एज ए बैक पैकर, तो बैग जो आप कैरी करते हो, बैक पैक या फिर रक्सैक जो भी बोलो, उसका वेट तो अराउंड वन के जी 700 ग्राम 800 ग्राम हो जाता है। देन आप स्लीपिंग बैग लेते हो तो स्लीपिंग बैग लाइक 300 ग्राम 400 ग्राम, तो ये दोनों मिला के लगभग मान सकते हैं कि 1.5 kg। और फिर जब टेंट लेते हैं खुद का तो वो भी लाइक 1.5 kg या 2 kg तक चला जाता है। एंड उसके साथ साथ अगर कोई कपड़ा लेते हैं या फिर विंटर क्लोथ्स लेते हैं तो ऐसे करके हम लोग का खुद का बैग लगभग 7-8 kg 9 kg तक चला जाता है। तो 9 kg का बैग लेके इतना लंबा ट्रैवल करना तो हमारे बैग पे तो इफ़ेक्ट होगा ही, तो मैंने जब ट्रैवल कर रहा था तो मेरे को भी इफ़ेक्ट हुआ, तो अभी मैं उतना बड़ा बड़ा सामान लेना छोड़ दिया हूँ और नॉर्मली बस बिना टेंट बिना स्लीपिंग बैग का ही ट्रैवल कर रहा हूँ। और विंटर के टाइम देखा जाएगा कि क्या ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी तो कर रहा हूँ। सो फॉर दैट मेरे को बैक पेन हुआ था और यहाँ पे आके जो ट्रीटमेंट लिया आके, दैट इज़ क्वाइट गुड, मतलब मेरे को सेटिस्फाइंग लगा आके। अभी जूस मिला है, पता नहीं तमिल भाषा में इसको कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो बोलते हैं ये ब्लैक ट्री का लीफ का जूस, ब्लैक ट्री लीफ जूस, तो यहाँ पे जैसे पता किया मैंने, ये पीते हैं। उसके बाद योगा करने जाना है, फिर योगा से वापस आएंगे, फिर एक बार जूस मिलेगा, फिर डिनर मिलेगा। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी था, अभी थोड़ा सा शांत हुआ, मतलब गर्मी थोड़ा सा कम हुआ और हीट भी बाहर थोड़ा कम है, तो अभी जा रहे हैं योगा करने के लिए। खाना है वो आ चुका है, और केला, तरबूज, गाजर, खीरा, कद्दू,
तो ये सारा चीज़ आज रात का डिनर है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. मैंने पूछा बहुत अच्छा है. और रात को कभी कभी अगर भूख लग रहा है देन आई एम जस्ट गोइंग आउट एंड ब्रिंग सम स्नैक्स लाइक केला ला लिया और कुछ फ्रूट्स ला लिए, कुछ वेजिटेबल्स ला लिए. तो ऐसे करके बस नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई नेचुरोपैथी बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस डे 3. कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे. सुबह सुबह गर्मी और रात को बारिश. बहुत अच्छा मौसम हो गया एक्चुअली चेन्नई में. पता ही नहीं चल रहा है कि चेन्नई पे है या कौन सी जगह पे आके रुके हैं. मतलब हिमाचल पे थे तब भी इस टाइम ऐसे ही होता था और अभी भी ऐसे ही हो रहा है. सो इट्स फील लाइक बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. सोचे थे ब्लॉग शाम को बस खाना खा के ख़त्म कर देंगे 7 बजे, लेकिन और थोड़ा बारिश दिख गया तो थोड़ा जगे हुए हैं, सो जाएंगे रात को. एंड टुडे आई गॉट सम जूस. और ये तमिल लैंग्वेज पे कुछ जूस बोलते हैं, पता नहीं एक्चुअली क्या जूस है ये.